नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। इसराइल का आयरन डोम जिसने हवा में ही नष्ट कर दिए फिलिस्तान के रॉकेट। केपी शर्मा ओली फिर बने नेपाल के प्रधानमंत्री, विपक्षी दल नहीं जुटा सके बहुमत। अगले हफ्ते बाजार में आ जाएंगे रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक, सरकार ने किया ऐलान। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या कम हो रही है, बीते 24 घंटे में देश में 3,42,000 कोरोना संक्रमित की पहचान हुई जबकि 3,44,000 लोग ठीक हुए। कोरोना पॉजिटिव को 6 महीने बाद लगाए टीका, सरकारी समिति की सिफारिश। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। जयपुर में ब्लैक फंगस का कोरम छीन ली 50 से ज्यादा मरीजों की आंखों की रोशनी। बीएमसी ने कोरोना वैक्सीन के लिए जारी किया वैश्विक टेंडर, 3 हफ्तों में देना होगा टीका। कार में लिफ्ट देकर पेट्रोल पंप के मालिक ने किया रेप, 3 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। पश्चिम चंपारण में अपराध की साजिश, रश्ते तमंचा सहित 2 गिरफ्तार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।